हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे काइनेमैटिक्स टॉपिक का। नाउ व्हाट इज काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है। मोशन बहुत सारे टाइप का होता है जो तुम ओवर द पीरियड सीखोगे क्लास 11 में ही। इस लेक्चर में, काइनेमैटिक्स चैप्टर में, हम लोग कंसर्न्ड होंगे अ टाइप ऑफ मोशन नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। बट आगे तुम ये टर्म भी, इस मोशन के बारे में भी सीखोगे, रोटेशनल मोशन। बट इन काइनेमैटिक्स हम लोग केवल और केवल डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इज फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मोशन? क्या मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है? इज फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मोशन? क्या होगा आंसर? यस, ठीक से सोच के देखो। इज फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मोशन? आंसर इज नो। फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ मोशन। मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है, मोशन को बदलने के लिए। भाई, मोशन को बदलने से मीन कर रहे हैं वेलोसिटी को बदलने के लिए क्या चाहिए होगा? फोर्स। सो इज फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मोशन? नो, फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ मोशन। सो इस काइनेमैटिक्स चैप्टर में, जहां हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ फोर्स। फोर्स से हमारा कोई कंसर्न नहीं होगा, यह हमेशा ध्यान में रखना। फिजिक्स में जब भी हम लोग मोशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, सबसे पहले क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे लोग ये टर्म यूज करते हैं ज्यादा, पार्टिकल। अब ये सोचना होगा तुमको कि कोई रियल ऑब्जेक्ट को पार्टिकल क्या हमेशा मान सकते हैं? जैसे तुम अर्लियर क्लासेस में न्यूमेरिकल बनाते समय किसी ट्रेन को या किसी प्लेन को या किसी कार को, किसी मोटरसाइकिल को, किसी साइकिल को क्या मान लेते थे? पार्टिकल। पार्टिकल मानने से मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है। बट क्या ऐसा करना हमेशा संभव है? तो इस एस्पेक्ट को भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब भी मोशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग पार्टिकल कहते हैं, या दूसरा टर्म है रिजिड बॉडी। कभी ये पार्टिकल वर्ड यूज करेंगे, कभी रिजिड बॉडी यूज करेंगे। क्या इस ऑब्जेक्ट के अलावा किसी और का रोल है, ये सोचना होगा तुमको। जैसे सपोज एक कार है और ये मूव कर रहा है अलोंग अ लाइन एज शोन हियर। ठीक है, तो ये कार यहां से यहां मूव किया। सपोज इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। अगर एक साइकिलिस्ट उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ये साइकिलिस्ट उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है जिस डायरेक्शन में कार ट्रैवल कर रहा था, और एक दूसरा साइकिलिस्ट कार के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये उसी डायरेक्शन में था, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये साइकिलिस्ट ए है सपोज, दिस इज साइकिलिस्ट बी। मान लो दोनों साइकिलिस्ट का स्पीड बी और सी का वी है इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस कार का स्पीड क्या था? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ए के लिए इसका स्पीड क्या होगा और साइकिलिस्ट बी के लिए क्या स्पीड होगा? ए और बी के लिए क्या स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही होगा या डिफरेंट होगा?
ये टू है, ए उसी डायरेक्शन में था, तो ए के लिए कितना आएगा, 10 माइनस 2 8। ऐसे ही एक और ऑब्जर्वर अगर सी लो जो कार के अंदर है, तो सी के लिए क्या स्पीड होगा इस कार का, तो ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए क्या इस कार का स्पीड सेम होगा या डिफरेंट होगा, अब ये सोचना है। तो ए के लिए क्या स्पीड हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर, बी के लिए 12 किलोमीटर पर आवर और सी के लिए 0। तो सेम कार लेकिन साइक्लिस्ट ए, साइक्लिस्ट बी और सी के लिए स्पीड डिफरेंट हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हम लोग मोशन की बात करेंगे तो और किसका रोल तुमको समझ में आता है, ए बी और ये सी क्या है, क्या वर्ड यूज करें इसके लिए, क्या ये टर्म यूज करें, ऑब्जर्वर। तो मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, ऑब्जर्वर का, और एक तीसरा है कि किस टाइप का मोशन है। तुम क्लास 11 में डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के बारे में सीखोगे जो अलग अलग चैप्टर में होगा। तो टाइप ऑफ मोशन, जैसे इस चैप्टर में हम लोग कंसर्न्ड होंगे अ टाइप ऑफ मोशन नोन एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा होगा रोटेशनल मोशन जो एक अलग चैप्टर है जहाँ इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी मोशन है, जैसे एक अलग चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये सब डिफरेंट टाइप्स है मोशन का, बट इस काइनेमैटिक्स में जो स्टडी ऑफ मोशन है हम लोग कंसर्न है किससे, केवल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन से। तो मोशन का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो पार्टिकल या रिजिड बॉडी, एक ऑब्जर्वर होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्या टाइप है मोशन का। तुम ज्यादा मिस्टेक करते हो ऑब्जर्वर को डिसाइड करने में, तो मोर अबाउट ऑब्जर्वर लेटर इन द कोर्स, बट मोशन मीन्स दीज थ्री थिंग्स। सो लेट अस ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। सो काइनेमैटिक्स में हम लोग कंसर्न्ड हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन से। सबसे पहले इसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या डेफिनेशन है इस मोशन का। तो डिफाइन करने के लिए लेट अस डू वन थिंग, पहले कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का। तो पहला एग्जाम्पल, ये एक मोबाइल है सपोज, इस तरह से मूव कर रहा है, तुम टेबल पर रखे और ऐसा उसको स्लाइड कर रहे हो बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो दिस इज योर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो, और मोबाइल का पोजीशन बदल रहा है टाइम के साथ, तो कुछ अलग पोजीशन पे उसको शो कर देते हैं, ये किसी टाइम T1 पे, ये किसी टाइम T2 पे, ये किसी टाइम T3 पे। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें कैसा पाथ है, क्या कहोगे, पाथ इज स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन। तो एक एग्जाम्पल क्या है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का, स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसके लिए ये टर्म भी यूज करते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर मोशन ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, ये मोबाइल इस तरह से मूव कर रहा है, फिर तो ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो मूव नहीं कर रहा है ना, ये मोशन किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो नहीं है, तो इसके पाथ को अगर तुम ड्रॉ करो तो कैसा ड्रॉ करोगे, कुछ ऐसा कर्व है।
ये देख लो, ऐसा ही कर्व ट्रेस हो रहा है ना। तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे मोशन किसके अलोंग है? अलोंग अ कर्व, इसलिए ये टर्म भी यूज करते हैं, कर्विलीनियर मोशन। कर्विलीनियर मोशन ऐसा टर्म भी यूज में आता है। तो एक है रेक्टिलीनियर, दूसरा क्या है? कर्विलीनियर। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा रेक्टिलिनियर होता है या स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है। वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग भी हो सकता है और कर्व के अलोंग भी हो सकता है। तो नाउ अब तुम इसको कैसे डिफाइन करोगे ये सोचना है। हाउ वी डिफाइन दिस मोशन? तो ये बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, ऐसा दो पॉइंट मार्क कर लो, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2। इस डायग्राम में भी वो दोनों शो कर दो, यहाँ भी दोनों को शो कर दो, 1 एंड 2। वो जो मोबाइल है बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है ना, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेंगे। तो 1 को देखो, तो 1 का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और 2 का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों क्या लगता है, बराबर है या नहीं? फिर T2 से T3 देखो, 1 का डिस्प्लेसमेंट और 2 का डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है? तो क्या कंक्लूड करोगे यहां से? 1 एंड 2, पार्टिकल 1 एंड 2 जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। केवल डिस्प्लेसमेंट सेम है या वेलोसिटी भी सेम है? वेलोसिटी भी सेम है। और अगर एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम। तो क्या मतलब हुआ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का? क्या डेफिनेशन हो सकता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का? पहला, हम लोग दो कंसिडर किए थे, तो हर एक पार्टिकल के लिए वैसा होगा। तो पार्टिकल की बजाय ये वर्ड यूज कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैज सेम डिस्प्लेसमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ? जिससे वो बॉडी बना हुआ है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैज सेम डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैज सेम वेलोसिटी। और तीसरा पॉइंट, हर एक का एक्सेलरेशन भी क्या है? सेम। डिस्प्लेसमेंट भी सेम, वेलोसिटी भी सेम और एक्सेलरेशन भी सेम। दिस इज हाउ वी डिफाइन कौन सा मोशन? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, क्या क्या इसमें टाइप हो गया फिर? रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, और दूसरा क्या होगा? कर्वीलिनियर। तो इस कर्व के लॉन्ग वो फिगर आउट कर पाना कि सबका डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस केस में जब स्ट्रेट लाइन पाथ था तब तो बहुत आसानी से ये बता सकते हैं। सो दिस इज हाउ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इज डिफाइंड। इसमें कुछ और पॉइंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे तुम फिजिक्स सीखोगे आगे तो वो सब पॉइंट ऐड होता जाएगा। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या वेलोसिटी है? सेम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। और एक्सीलरेशन भी क्या है? सेम। अब कब तुम किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल मान सकते हो? तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल कब हो सकता है? पार्टिकल होने से, पार्टिकल मानने से क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो एन ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल इफ मोशन इज प्योर ट्रांसलेशनल। तो पार्टिकल का कॉन्सेप्ट किस मोशन के लिए है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। बहुत सारे जगह पे तुमको पार्टिकल का कोई और डेफिनेशन भी मिलेगा, वो काइनेमैटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है।
वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, वो यहाँ पे यूज करना सही नहीं है। सो एन ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल इफ मोशन इज प्योर ट्रांसलेशनल। वो रेक्टिलिनियर भी हो सकता है और कर्विलिनियर भी हो सकता है। और उसका सिंपल सा लॉजिक है जो तुमको समझ में आना चाहिए कि ये अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो हम इस पूरे मोबाइल की जगह कोई एक पार्टिकल लें तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर इस पार्टिकल का तुम डिस्प्लेसमेंट शो करते हो कि डी है, तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी होगा। इसका वेलोसिटी तुम कहते हो अगर वी है तो सबका वेलोसिटी कितना होगा? वी होगा। एक्सेलरेशन ए है तो सबका एक्सेलरेशन कितना होगा? ए है। तो कोई जरूरत नहीं है हम इस पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचें। हम लोग किसके बारे में सोच सकते हैं? केवल एक पार्टिकल, मतलब ऑब्जेक्ट को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? पार्टिकल से। तो पार्टिकल का कॉन्सेप्ट किस मोशन से एसोसिएटेड है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। डन।